ये है सीवुड ग्रैंड सेंट्रल का KFC, जहाँ पे मुझे ऑर्डर आसान हुआ था जोमेटो का, 25 रुपीज़ का। इसीलिए मुझे जब मैं एंट्री गेट पे पहुँचा तो मुझे 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि एक राइडर बाहर आएगा तो एक राइडर को अंदर छोड़ दिया जाता है, यहाँ का रूल है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट पे। एक्चुअली जो रेस्टोरेंट है ना, वो ऑर्डर हमें पिकअप पॉइंट पे दे देता है, बट बहुत टाइम वेट करने के बाद भी रेस्टोरेंट ना कॉल रिसीव कर रहा था, तो मैंने सपोर्ट पे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, फिर ये ऑर्डर दूसरे को आसान हो सकती है। बट मैंने बोला कि मैंने इतना वेट किया है तो मैं ऑर्डर लेके ही जाऊँगा, फिर वो 25 रुपीज़ का हो या 100 रुपीज़ का हो, मेरा तो टाइम बर्बाद हो रहा है ना। तो इसके लिए मैं रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे गार्ड छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरा ऑर्डर बहुत डिले हो रहा है तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मुझे जाने दिया। ये है पिकअप पॉइंट, जहाँ पे सारे राइडर्स आके अपने ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं कि रेस्टोरेंट उनको ऑर्डर ला के देगा और फिर वो अपनी राइड स्टार्ट करे। और ये वो लिफ्ट है जहाँ से 4-5 राइडर आते रहते हैं, हर 10-15 मिनट में 4-5 राइडर आते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं। कभी कभी जो पिकअप पॉइंट ये फुल हो जाता है ज़्यादा ऑर्डर्स होने की वजह से। ये सेकंड फ्लोर है, अब ये स्टाफ मॉल का और हमारे राइडर्स सब लोग आ गए अंदर। अब हम जाते हैं नीचे पार्किंग में। और ये हमारे लिफ्ट मैन हैं जो 8 घंटा इस लिफ्ट में काम करते, कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है इनको। इनको ना चेयर दी गई, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करने को, मतलब तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो उनके साथ? जिन लोगों की वजह से कंपनी चल रही है उनको तकलीफ मत दो ना। ये हम चार अभी पार्किंग की तरफ। ये स्विगी के राइडर, स्विगी डिलीवरी बॉय। और ये आ गए स्मार्टो राइडर। एग्जिट गेट है, अब ये पार्किंग में जाने के लिए फाइनल एग्जिट गेट है। ये एक्चुअली जो मटेरियल अंदर आता है बाहर जाता है ये उनके लिए पार्किंग है, बट हमें मॉल में एंट्री नहीं है फ्रंट से, इसलिए हमें ये गेट खुला कर दिया कि तुम यहाँ से आके अपने ऑर्डर पिक कर लो। हाथ तक पहुंचने के लिए हमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये सारे राइडर्स की बाइक्स है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ को गाड़ी लाना अलाउड नहीं है, तो ये सब राइडर्स ही हैं। ये स्मार्ट राइडर, उसके बाजू में स्विगी राइडर। अब मैं रेडी हो जाता हूँ, अपने ऑर्डर बैग में रखता हूँ, अपना हेलमेट पहन लेता हूँ। मोबाइल मैंने सीट पे रख दिया ताकि गिरे ना। अब मोबाइल को स्टैंड में लॉक कर देता हूँ, जो कि बाइक पे लगा हुआ है मोबाइल होल्डर।
करते हैं हमारी राइड स्टार्ट। मतलब जो मॉल का एंट्री गेट है वहाँ से हमें ऑर्डर पिक करने के लिए 7 to 8 मिनट लगते हैं। ऊपर से गेट पे रुकना पड़ता है 15 से 20 मिनट तक। जब तक एक राइडर बाहर ना, तब तक हम अंदर ना नहीं जा सकते। और मतलब ये हो गए 15 और 7 मिनट, तो 22 मिनट्स यही हो गए। उसके बाद हम रेस्टोरेंट के पिकअप पॉइंट पे वेट करते हैं, वो अलग। उसके बाद ऑर्डर पिक करने के लिए फिर रिटर्न आना पड़ता है, तो इसके लिए कम से कम 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। एक ऑर्डर पिक करने के लिए अगर 40 मिनट्स लगते हैं और डिलीवरी करने के लिए समझो 25 रुपीज़ का ऑर्डर रहेगा, तो 8 से 9 मिनट पकड़ लो कस्टमर के घर तक पहुंचने के लिए एक 15 मिनट लग गए। तो अप्रोक्स एक 25 रुपीज़ का ऑर्डर हमें डिलीवर करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। अब 1 घंटे में हम लोग एक ऑर्डर डिलीवर करेंगे, हम लोग 12 घंटा अगर काम करें तो हमारे कितने पैसे बनेंगे, 300 400। यह एंट्री गेट, अब मैं बाहर जाऊंगा तो ये राइडर अंदर जाएगा, या करूँ ले। प्लीज़ टेल जोमेटो के जो भी फ्लीट कोच है, इसके बारे में सोचिए और हमें कुछ सहायता कीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।